टॉपिक टॉपिक का नाम है फेथ, श्रद्धा। बहुत वाइड टॉपिक है, कोई ऐसा स्पेसिफिक नहीं है, बट स्टिल बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि डिस्कस करने लायक हैं इस टॉपिक में, श्रद्धा में। पर एक सिंपल सा अगर हम शुरू करें श्रद्धा पे बात करने की, तो सुखदेव गोस्वामी जी ने भागवतम में फर्स्ट कैंटो में बोला है। सुखदेव गोस्वामी कह रहे किम तरवा न जीवंती, क्या पेड़ नहीं जी रहे, क्या पशु पक्षी नहीं जी रहे, क्या हाथी नहीं जी रहे। शिला प्रभुपाद यही लिख रहे हैं कि जितने भी जानवर हैं, जितने भी हैं, उनको भगवान सप्लाई कर रहे हैं सब कुछ ऑलरेडी, और सबको मेंटेन कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं, और उनको फेथ भी नहीं है, उनको भगवान पे फेथ नहीं है, उनको तो पता भी नहीं भगवान के बारे में, बट फिर भी भगवान उनका पालन कर रहे हैं, उनको खाने को मिलता है, अपने रहने को मिलता है, अपने अपने आप ही भगवान ने उनको क्वालिटीज़ दी हैं कि एनवायरनमेंट में सेट हो जाए, है ना। जैसे पेंगुइन्स होती हैं, पेंगुइन्स आर्टिक ओशन में रहती है, मतलब -20 डिग्री 30 डिग्री टेम्परेचर पानी का उसमें रहती है, वो तो नहीं मरती। भगवान ने उसको ऐसा सिस्टम दिया है कि उसको ठंड नहीं लगेगी। तो ऐसे ही सारे एनिमल्स को भगवान ने कुछ ना कुछ गिफ्ट दिए हैं, कुछ ना कुछ स्किल्स दिए हैं अपने सर्वाइवल के लिए, है ना, जीने के लिए कुछ क्वालिटीज़ दी हैं, और खाना सप्लाई करते हैं, सबको मिलता है, सबका स्पेसिफिक खाना वहीं पे अवेलेबल है, लोकल अवेलेबल है सबके लिए, और बिना फेथ के। सो तो भागवतम कह रही है अगर भगवान लोगों का पालन, जीवात्माओं का पालन कर रहे हैं, एनिमल्स का पालन कर रहे हैं, सबका पालन कर रहे हैं बिना फेथ के, तो जिसको फेथ है उसका पालन क्यों नहीं करेंगे। बहुत सिंपल सा लॉजिक है, जिसको फेथ है भगवान पे उसको अपनी मेंटेनेंस की चिंता करने की जरूरत ही क्या है। तो भगवान, जिसको फेथ है भगवान पे, भगवान ने प्रॉमिस किया है योगक्षेमा वहां में हम, कि मैं उसकी लाइफ को मेंटेन करूंगा, मैं उसकी मेंटेनेंस, मटेरियल मेंटेनेंस दे दूंगा। योगक्षेमा वहां में हमको वैसे हम ट्रांसलेट करते हैं कि भगवान स्पिरिचुअली मेंटेन करते हैं, नहीं जो जो नहीं है वो देते हैं, जो है उसको प्रिजर्व करते हैं। बट विष्णु चक्र ठाकुर लिख रहे हैं कि भगवान मटेरियली भी डिवोटीज के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मटेरियल चीज़ें नहीं मिलेंगी तो फिर वो जिंदा कैसे रहेगा, भक्ति कैसे करेगा। सो फेथ, इसलिए फेथ बहुत बड़ी चीज है, श्रद्धा बहुत बड़ी चीज है। और भागवतम उल्टा भी कह रही है कि अगर अश्रद्धा, भगवान में श्रद्धा हो के और हम लोग अगर अपने मेंटेनेंस के बारे में सोचते रहें, तो वो एक तरह से श्रद्धा पे खोट है। भागवतम उल्टा भी कह रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो गृहस्थ गृहस्थ लोग हैं वो जॉब ना करें या सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाएं। दैट्स नॉट द होल पॉइंट। पॉइंट ये है कि चाहे आप हाउस होल्डर हो चाहे ब्रह्मचारी हो, फेथ इस पे नहीं होना चाहिए कि हमें खाना मिल रहा है, हम मेंटेन हो रहे हैं, हम अपनी मेहनत से अपने जॉब से, ऐसा नहीं है, भगवान मेंटेन कर रहे हैं। अगर भगवान नहीं चाहेंगे तो आप कितने जॉब कर लो, कुछ भी मेहनत कर लो, पैसे नहीं आएंगे, ना खाना आएगा, कुछ भी नहीं होगा। इसको कहते हैं फेथ। भागवतम यहां से शुरू हो रही है। अगर हम श्रीमद भागवतम की बात करें तो जितने भी डिवोटीज हैं, ध्रुव प्रहलाद, जितने भी हम कथाएं पढ़ते हैं, उसमें क्या, उसमें एक ही चीज़ है, फेथ ही तो दिखा रहे हैं डिवोटीज का, और क्या दिखा रहे हैं। बाकी चलो उन्होंने वैराग्य दिखाया, ऑस्टेरिटीज की, जो भी की, बेस तो फेथ ही है। प्रहलाद का फेथ, श्रद्धा देखो क्या थी, ध्रुव महाराज की श्रद्धा तपस्या में लग गए, प्रियव्रत वो भी निकल गए, ऋषभदेव, भारत, ये सब ये एग्जांपल्स क्यों हैं? ये एग्जांपल इसलिए तो हैं कि हमें इंस्पायर करें कि जैसे इनका फेथ है ऐसे आप भी फेथ करो भगवान पे।
तो डिपेंड करता है, आप हो सकता है फुल टाइम हो, मगर आपको ये फेथ हो कि मंदिर हमारी मेंटेनेंस कर रहा है, ऐसा नहीं है, वो भी होता है, उल्टा भी होता है, नहीं? सो हमें मेंटेन करने वाले भगवान है, चैतन्य महाप्रभु ने, एक्चुअली चैतन्य महाप्रभु जब संन्यास लेके जा रहे थे जगन्नाथपुरी, तो उनके साथ नित्यानंद प्रभु और गदाधर पंडित, दास गदाधर और चंद्रशेखर आचार्य और कौन थे, पांच लोग थे, नरसिंह महाप्रभु का अकंपनी किया उन्होंने, अकंपनी किया, तो महाप्रभु ने पूछा उनसे कि तुम्हारे पास कुछ है तो नहीं, कुछ लेके तो नहीं आए तुम? तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने सबने कहा महाप्रभु से कि महाप्रभु कि आपने तो सिखाया, आपने तो सिखाया है कि अगर भगवान देना चाहे तो मिलेगा, भगवान नहीं देना चाहे तो कितनी मेहनत करो नहीं मिलेगा, इसलिए हम कुछ लेके भी नहीं आए। तो महाप्रभु बहुत खुश हुए, इतना एक सिंपल स्टेटमेंट था कि कुछ लेके तो नहीं आए, मगर फिर महाप्रभु ने कहा कि ये सिंपल स्टेटमेंट लगता है, बहुत साधारण स्टेटमेंट लगता है कुछ लेके नहीं आए, मगर बहुत डीप है। वृंदावनदास ठाकुर लिख रहे हैं बहुत डीप स्टेटमेंट था कि अगर भगवान की शरण लेनी है तो अपने पास कुछ नहीं रखना होगा, अकिंचन। तो वो ऐसा नहीं है कि आपको सारी चीज़ों को मन से छोड़ना पड़ेगा, चीज़ें तो होती हैं हमारे पास, मगर चीज़ों को मन से छोड़ना पड़ेगा। तो सच इसलिए बाइबल में लिखा है कि मैन शैल नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, मैन शैल नॉट लिव ऑन ब्रेड अलोन, ये लिखा है, व्यक्ति सिर्फ खाने पे नहीं जिएगा, भगवान के नाम पे जिएगा, फेथ पे जिएगा, श्रद्धा पे। सो चैतन्य महापुरुष श्रीवास ठाकुर के घर गए, श्री श्रीवास ठाकुर के घर गए, चैतन्य महापुरुष ने पूछा श्रीवास ठाकुर से, श्रीवास तुम अपना घर कैसे चलाते हो? श्रीवास ठाकुर ने क्या किया, उन्होंने कहा, उन्होंने ताली बजाई, टिंग टिंग टिंग। तो उन्होंने कहा, महाप्रभु ने कहा ये क्या है, ताली क्यों बजा रहे हो, इसका क्या मतलब है? श्रीवास ठाकुर ने कहा कुछ नहीं, मैं तीन बार ताली बजाता हूँ, अगर तीन बार ताली बजाने के बाद कोई घर में मुझे दे देता है खाने को तो घर चल जाता है, अदरवाइज मैंने सोचा कुछ जिस दिन खाने को नहीं मिलेगा तो मैं अपने गले में पत्थर डाल के गंगा जी में कूद के मर जाऊंगा। तो महाप्रभु बहुत खुश है, महाप्रभु ने कहा श्रीवास तुम्हें खाने को नहीं मिलेगा, एक दिन लक्ष्मी भी भूखी मर सकती है मगर तुम कभी भूखे नहीं मरोगे, ये मेरी ब्लेसिंग है। और फिर महाप्रभु ने कहा कि तो श्रीवास पंडित के भाई खड़े थे रमाए पंडित, हमने कहा रमाए तुम्हारी ड्यूटी है कि तुम श्रीवास पंडित के घर के बारे में सोच के घर के देखभाल करोगे, फाइनेंस का जो भी है तुम देखो, तुम देखना, श्रीवास तो पूरी तरह निर्भर है मुझ पर। वो चैतन्य महाप्रभु ने इस तरह से कहा। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु ने फिर वहां पे बोला कि कृष्णा कृष्णा जिसको देना चाहते हैं उसको वो अगर पूरी दुनिया भी रोक दे तब भी उसको मिलके रहेगा। और शील प्रभुपाद भी कहते थे कृष्णा आप दो हाथ से ले सकते हो, कृष्णा दस हाथों से देते हैं, कितना लोगे, कितना ले लोगे? अगर भगवान नहीं देना चाहते, छीनना चाहते हैं तो आप दो हाथ से कितना रोक लोगे, दस हाथ से छीन लेंगे, भगवान रोक नहीं सकते। इसको कहते हैं फेथ। अब ये जो चीजें हैं, ये चीजें प्रैक्टिकली करनी पड़ती हैं, भगवान पे फेथ करके चलना पड़ता है। तो फेथ करने से ही फेथ आता है। और कोई जैसे भक्ति भक्तया संजायते भक्तया, भक्ति से भक्ति आती है, ऐसे फेथ से फेथ आता है, और कोई तरीका नहीं है इसका, आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी। आप कहोगे कैसे प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस कैसे करेंगे जब जीवन में उतार चढ़ाव आता है, सबके जीवन में आता है उतार चढ़ाव, वो तो आएगा ही आएगा, उसमें हमें डिस्टर्ब ना होके भगवान के नाम पे और भगवान पे फेथ करके चलना चाहिए, तो भगवान इंप्रेस होंगे। यस दिस इज नाइस, मुश्किल है बट स्टिल एक इम्प्रेस होके चलते हैं, भगवान इम्प्रेस होते हैं, खुश होते हैं इससे। सो दैट्स ये पॉइंट है। सो
ये इसीलिए श्रीमद् भागवतम में, इसीलिए चैतन्य चरितमृत में कृष्णा के ब्रजस्वामी कह रहे हैं, श्रद्धा शब्दे विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय, कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत होए। श्रद्धा क्या है? श्रद्धा भगवान पे विश्वास है। क्या विश्वास है? स्क्रिप्चुरल विश्वास है, शास्त्रों नॉलेज पे बेस्ड है विश्वास, ऐसी सेंटिमेंटल नहीं है। बट क्या है? कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत होए। ये कृष्ण के लिए अगर हम काम करेंगे तो कृष्णा हमारे लिए करेंगे, बस ये है सिंपल। आप भगवान के लिए करो, भगवान आपके लिए करेंगे, ये डील है, ये कॉन्ट्रैक्ट है, दैट्स इट। बस क्लियर हो गया? कृष्ण कर्म कृत कैला सर्व कर्म कृत हुए। सो अब ये समझने के बाद अब नेक्स्ट पॉइंट है कि श्रील प्रभुपाद गीता में लिख रहे हैं, गीता में वो कौन सा श्लोक है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयत इंद्रिया, उस श्लोक के पपट में प्रभुपाद लिख रहे हैं कि ये श्लोक फेथ के बारे में डिस्कस कर रहा है। और श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि फेथ ठीक है, ये तो फेथ हो गया, मगर चक्कर ये है जो हर डिवोटी जो डिवोशन में आता है उसका ऐसा फेथ तो होता नहीं 100%। हमारा भी नहीं है प्रहलाद जैसा, ध्रुव जैसा, महाप्रभु जैसे, उनके डिवोटीज के जैसा हमारा है नहीं। तो फिर क्या हमारा फेथ नहीं है? क्या फेथ तो है, तभी यहाँ बैठे हैं, तभी भक्ति कर रहे हैं ना, फेथ है तभी भक्ति कर रहे हैं। तो फिर अगर फेथ है, हम भक्ति कर रहे हैं, मगर वैसा फेथ नहीं है, तो कैसा फेथ है? कुछ कैटेगरी में डालना पड़ेगा। इसीलिए प्रभुपाद लिख रहे हैं तीन तरह के, तीन लेवल्स के फेथ हैं। फेथ भी तीन लेवल्स में हो जाएंगे। एक बिल्कुल कोमल श्रद्धा होगी, ये सीसी में इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ड्स, कोमल श्रद्धा। कोमल श्रद्धा मतलब होता है ऐसी श्रद्धा जो कि डिस्टर्ब हो जाए, जो कि हिल जाए। जीवन में प्रॉब्लम्स आती हैं तो फेथ हिल जाता है, प्रॉब्लम्स आती हैं आदमी घबराता है मगर फेथ नहीं हिलता। एक घबराना और फेथ हिलना एक अलग बात होती है, नहीं ठीक है। प्रॉब्लम्स आती हैं तो आदमी को दुख भी होता है, पेन भी होता है, चीज़ें होती हैं, मगर उसका फेथ नहीं हिलता, तो ठीक है कोई नहीं। मगर कोमल श्रद्धा ऐसी नहीं होती, कोमल श्रद्धा हिलती रहती है, डिस्टर्ब हो जाती रहती है। कोमल श्रद्धा जब प्रॉब्लम्स आती हैं या तो कोमल श्रद्धा में व्यक्ति कुछ और सोचने लगता है, जैसे जैसे महाप्रभु की लीला में मुकुंद दत्त महाप्रभु जब अष्टप्रहरी लीला कर रहे थे, अपना महाप्रभु ने स्वरूप दिखाया, तो वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पे तो मुकुंद बाहर खड़ा हुआ था, डिवोटीज ने बोला मुकुंद को भी बुलाइए, सबको आशीर्वाद दे रहे थे। महाप्रभु ने कहा मैं नहीं उसको बुलाऊंगा, वो कभी कभी हमारे भक्ति में बक्की बात करता है, जब मायावादी के पास जाता है तो मायावाद बात करने लगता है, इसलिए मैं उसको उसकी शक्ल नहीं देखना आता। तो कोमल श्रद्धा में क्या होता है, व्यक्ति को फिलॉसफी, अपनी फिलॉसफी पे विश्वास नहीं होता, दूसरी सिद्धांत से कंफ्यूज हो जाता है, या तो सहजों के पास जाएगा तो सहजों के सिद्धांत से कंफ्यूज, जैसे आजकल हो रहा है नहीं, कहीं इस्कॉन डिवोटी छोड़ छाड़ के बाबा जी उसके पास जा रहे हैं, है नहीं, उनको उनका फेथ ही कोमल है, अब उनको समझ ही नहीं, वो कह रहे हैं वो भी तो कृष्ण के बारे में बोल रहे हैं, वो भी तो सब वही बोल रहे हैं, मगर एक्चुअली उनका फेथ श्रील प्रभुपाद पे नहीं है, उनकी फिलॉसफी पे नहीं है, तो वो कन्फ्यूज हो रहे हैं। एक तो ये है कोमल श्रद्धा, और जब प्रॉब्लम्स आती है तो कोमल श्रद्धा हिल जाती है, इसको कोमल श्रद्धा कहते हैं। सो तो अब क्या है कि ये तो कोमल श्रद्धा हो गई जो कनिष्ठ के पास होती है, बिल्कुल नए डिवोटी ऐसे होते हैं, मगर उसके ऊपर होती है एक दृढ़ श्रद्धा, जो मध्यम अधिकारी जो थोड़े एडवांस डिवोटी होते हैं उनमें होती है। दृढ़ श्रद्धा क्या होती है? दृढ़ श्रद्धा होती है कि जब आप फिलॉसफी सुन लोगे,
बहुत समझ लोगे, चीज़ों को सुनते रहोगे, सर्विस करोगे, शुद्ध हो जाओगे, तो आपकी श्रद्धा स्ट्रांग हो जाती है। जैसे गन्ने के जूस को आप काटते रहो काटते रहो काटते रहो तो क्या बन जाएगा? तो पहले वो मतलब मोलासेस, मोलासेस पता है ना, कैसे कहेंगे मोलासेस को? शक्कर कहते हैं, क्या कहते हैं? शक्करी टाइप से कहते हैं, ऐसे पता नहीं क्या होता है, भगवान जाने। मोलासेस मतलब एक थोड़ा गाढ़ा गुड़, गाढ़ा सा गन्ने का जूस बन जाता है। नहीं कुछ कहते हैं उसका नाम, पता नहीं क्या होता है। सो मोलासेस, सो तो अब श्रद्धा गाढ़ी दृढ़ हो जाती है, दृढ़ हो जाती है श्रद्धा। कैसे होती है दृढ़? सिद्धांत समझ के, लक्ष्य क्लियर हो जाता है, हम क्या कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं समझ आती है चीजें हमें, हृदय शुद्ध हो जाता है। बेसिकली मेन तो सिद्धांत से भी इंपॉर्टेंट है, हृदय शुद्ध हो जाता है सेवा करके। शुद्ध हृदय में श्रद्धा बैठ जाती है, अशुद्ध हृदय में डिस्ट्रैक्शन होती है, हम ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। जब हृदय शुद्ध हो गया तो बस ठीक है, फिर भगवान ही, अब क्या करेंगे बताओ, यही है ना। सो और फिर जैसे डिवोटी आगे चलता रहता है, आगे चलता रहता है और दृढ़ श्रद्धा होती है, तो हाईएस्ट स्टेज पे होती है निपुण श्रद्धा। निपुण मतलब होता है कि एक्सपर्ट हो गया कृष्णा कॉन्शियसनेस में, अब उसकी श्रद्धा को कोई नहीं ला सकता, एब्सोल्युटली प्योर हो गया, उसको सारे स्क्रिप्चर्स की नॉलेज है, फिलॉसफी बिल्कुल क्लियर है, वो उत्तम अधिकारी के पास होती है निपुण श्रद्धा। सो तीन लेवल की श्रद्धा होती है। जो जो बिल्कुल कोमल श्रद्धा है उसका एक और नाम होता है श्रद्धाभास, वो रियल श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा का आभास है, क्योंकि आपको अभी श्रद्धा है उसको भगवान में, बट फिर भी जब प्रॉब्लम आ रही है तो किसी और के पास चला गया है ना, देवी देवताओं के पास चला गया, कुछ कर लिया उसने, तो श्रद्धा कैसी है? वेल तो नए डिवोटीज तो ऐसे ही कर लेते हैं, कुछ ना कुछ करते रहते हैं इधर उधर, ये भगवान पे क्वेश्चन उठा देते हैं, भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है ना। तो वो श्रद्धा कोमल श्रद्धा है। क्लियर हो गया? सो अब नेक्स्ट क्या है? तो कोमल श्रद्धा को क्या बोलते हैं? श्रद्धा आभास, इसलिए श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा आभास टाइप का है कुछ, उसको श्रद्धा आभास डेंजरस है, क्योंकि इधर उधर हो सकते हैं हम, उसमें क्या है। सो ये श्रील प्रभुपाद तीन कैटेगरीज ऑफ श्रद्धा बता रहे हैं, और प्रभुपाद कह रहे हैं एटलीस्ट दृढ़ श्रद्धा तक आ जाना चाहिए। निपुण श्रद्धा तो आना मुश्किल है कि आप बिल्कुल प्रहलाद और प्रभुपाद जैसे बन जाओ, वो तो इट्स डिफिकल्ट। एटलीस्ट दृढ़ श्रद्धा तक आनी चाहिए कि हम पूरी लाइफ, प्रैक्टिकल बात यह है कि हम पूरी लाइफ कृष्णा कॉन्शियसनेस कर पाए। जो कोमल श्रद्धा वाले हैं पूरी लाइफ नहीं कर पाते, पूरी लाइफ आप कहोगे वैल इतने सारे डिवोटीज पूरी लाइफ भी कर लेते हैं, मगर पूरी लाइफ एंथुजियास्टिकली नहीं कर पाते, ये बात है। पूरी लाइफ कर सकता है सारे जो कृष्णा कॉन्शियसनेस दीक्षित तो आते हैं पूरी लाइफ ही कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है। एक बार दीक्षा हो गई, तिलक लगा के माला तो करनी है रोज, कर लेते हैं घिसते पड़ते, मतलब किस किस कॉन्ग्रीगेशन डिवोटी को आपने देखा है कि उसने कृष्ण कॉन्शियसनेस छोड़ी है? इंडिया में तो नहीं है, बाहर तो है, फॉरनर्स छोड़ छाड़ के बैठ जाते हैं, इंडिया में कोई कोई नहीं छोड़, क्यों कैसे? वो तो नेचुरल है, थोड़ी पूजा वूजा करनी है, तिलक लगाना है, माला घुमानी है, जॉब जाना है आना है, चलती रहती है। तो वो तो ब्रह्मचारियों का नजर आते हैं न्यूज़ की, उसने भक्ति छोड़ के चला गया, शादी कर ली फिर नॉन डिवोटी से, फिर भक्ति छोड़ दी, गृहस्थ की तो कोई न्यूज़ ही नहीं आती, क्योंकि वो तो पूरी लाइफ तो ऐसे भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। वह पूरी लाइफ उत्साह के साथ करना, वो एक चैलेंज है, वो दिखाता है कि आप में श्रद्धा है, दृढ़ श्रद्धा वो है। तो हमें ऐसे डिफाइन नहीं करना चाहिए जो पूरी लाइफ कर ले उसकी दृढ़ श्रद्धा है, कोमल श्रद्धा वाला कृष्णा कॉन्शियसनेस छोड़ देता है वो एक, मतलब हमने पहले तो हमने ऐसे डिफाइन किया था छोड़ देता है, मगर इसमें लूप होल है, वो एक पूरा 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 तरह से डिफाइन नहीं कर सकते। कोमल श्रद्धा वो है जिसमें व्यक्ति या तो छोड़ देगा श्रद्धा,
कहीं और चला जाएगा या कंफ्यूज हो जाएगा, या हो सकता है सब कुछ क्लियर भी हो मगर घसीटता रहेगा बिना उत्साह के, बस वो कोमल श्रद्धा है और आपको पता भी नहीं लगेगा। वो गृहस्थ मिलेगा, वो कहेगा कि आप कहोगे कितने साल से, कहेगा 20 साल से हो, मेरी 2000 में दीक्षा हुई थी। अच्छा, बहुत सीनियर है, मगर एक्चुअली असली में टंडन गोपाल कुछ भी नहीं हो रहा। वो भी है ब्रह्मचारी, भी कोमल श्रद्धा हो सकती है। आपको ब्रह्मचारी है तो फुल टाइम बन गया घर छोड़ के, इनकी श्रद्धा तो दृढ़ी होनी चाहिए, जरूरी नहीं है। कई ब्रह्मचारी होते हैं ऐसे ही बन जाते हैं और उसी लेवल पे रहते हैं सालों साल, वही लेवल पे चलते रहते हैं, वही बस उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है गृहस्थों के घर जाके प्रसाद लेना, थोड़ा कीर्तन करना और उनके बेडरूम में जाके सो जाना। मतलब वो तो अपना बेडरूम दे ही देंगे, वो तो किसी और रूम में देंगे, सोएंगे शायद रात वाले रूम में, और फिर अगले डेस्टिनेशन वहाँ पे हम कीर्तन करने आ रहे हैं, प्रसाद ले रहे हैं और फिर वहाँ पे सो सके फिर नेक्स्ट, बस यही चलते रहते हैं। ऐसा भी होता है नहीं, जस्ट ठीक है लाइफ चल रही है, या मंदिर में पड़े रहो, चलते रहो, ठीक है चल रहा है सिस्टम अपना, रूम है, सर्विस होती जा रही है, कोई तंग नहीं कर रहा, सब चल रहा है, चलते रहो। वो हो सकता है वो 24 घंटे सेवा में बिजी हो मगर हो सकता है कोमल श्रद्धा है, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप 24 घंटे बिजी हो सर्विस में तो आपकी दृढ़ श्रद्धा, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो उससे कुछ समझ नहीं आता कुछ। 24 घंटे बिजी हो सकते हो मगर हो सकता है पूरी पूरी तरह नियोफाइट हो, कोमल श्रद्धा है, और हो सकता है 20 साल से हो इस्कॉन में मगर फिर भी कोमल श्रद्धा। तो आप क्वेश्चन पूछोगे कोमल श्रद्धा होती क्या है? नहीं, क्वेश्चन बहुत बड़ा उठ गया कि कोमल श्रद्धा है क्या भैया। वो बंदा 20 साल से है कृष्णा कॉन्शियस में, चाहे गृहस्थ है चाहे ब्रह्मचारी है, उसको सेवा भी कर रहा है, वो चैंटिंग भी कर रहा है, तो आप क्या कह रहे हो कोमल श्रद्धा ये क्या नॉनसेंस है? नहीं है, नहीं, ये तो नॉनसेंस लग रहा है। तो फिर हम कोमल श्रद्धा को डिफाइन कैसे करें? अब कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है लेक्चर, अब सुन रहे हो ना आप। अब वो शुरू मैंने आसान किया था बट अब हम अंदर जा रहे हैं गुफाओं में। तो फिर कोमल श्रद्धा को डिफाइन कैसे करोगे, क्या कहते हो? क्या हो गया? कुछ है आइडिया? है डिस्टर्ब होता है किससे? सिचुएशंस को लेकर, मैकेनिकल हो गया, नियमागर टाइप का। नहीं, कोमल श्रद्धा क्या हो, फिर डिफाइन कैसे करें कोमल श्रद्धा, ये मैं पूछ रहा हूँ डेफिनेशन पूरी तरह, क्योंकि हमने डिफाइन किया था कोमल श्रद्धा में वो या तो फिलोसफिकली कन्फ्यूज हो जाएगा, डिबेट हो जाएगा, छोड़ देगा, मगर छोड़ भी नहीं रहा। उससे पूछो फिलोसफी भी उसको क्लियर ही है, कहीं 20 साल से पढ़ा है, सर्विस भी कर रहा है। गलत सिद्धांत में ठीक ही रहता है, ये हो सकता है। वो एक सिद्धांत का पालन कर रहा है क्योंकि काफी सालों से करता आ रहा है, तो वो भी ठीक है, मैं अपना कर रहा हूं, अपना कर रहा हूं, कह सकते हो, यू कैन से लाइक दैट। हां, बेसिकली बेंचमार्क, हाँ ठीक है, हो सकता है। मतलब बेंचमार्क क्या है कोमल श्रद्धा का? ये पूछ रहा हूं मैं, सो कोमल श्रद्धा डिफाइन कैसे होगी? कोमल श्रद्धा डिफाइन कैसे होती है? एक तो जो अचिंत्य प्रभु ने कहा, कोमल श्रद्धा को के लेवल्स देखने के लिए उसकी सिद्धांत की अंडरस्टैंडिंग देखनी पड़ेगी, पहला पॉइंट। एक नहीं है सिर्फ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कृष्णदास कविराज स्वामी यही लिख रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग से आप डिफाइन होते हो किस लेवल पे हो। तो हो सकता है आप 20 साल से सब कर रहे हो मगर आपकी अंडरस्टैंडिंग जीरो है, तो फिर आपकी कोमल श्रद्धा ही है, बस यही है, अंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं होगी, एक पॉइंट ही है। बट ऑफ कोर्स आई मीन टू से, कई डिबोटीज बहुत सिंपल भी होते हैं, उनको फिलॉसफी नहीं आती बट बहुत अच्छे डिबोटी होते हैं, ऐसा नहीं कोमल श्रद्धा है, कई सालों से होते हैं और स्टेबल होते हैं और चलते हैं। तो हम सिर्फ यही क्रिटेरिया नहीं ले सकते कि फिलॉसफिकल अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर होगी, सिर्फ ये नहीं ले सकते आप।
जहाँ तक कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा की बात आ रही है, उनमें डिफरेंस बताने के लिए, तो एग्जैक्टली फिर हम क्या क्या पॉइंट लें और दूसरा पॉइंट क्या लें, कैसे पता लगेगा उसकी कोमल श्रद्धा या नहीं, वो पता लगता है एक्चुअली विश्वचक्र ठाकुर लिख रहे हैं अपने एक्चुअली प्रभुपाद कोट कर रहे हैं मध्वाचार्य को, प्रभुपाद कोट ही कर रहे हैं, आपको ही पता है वो श्लोक क्या है, मुख प्रसादात। सो मुख उस उसके शब्दों से पता लग जाएगा कि उसके कोमल श्रद्धा है या दृढ़ श्रद्धा है। जब आप उससे बात करोगे जिसकी कोमल श्रद्धा है, श्रद्धा भास है, वो 24 घंटे भगवान से कनेक्ट करके नहीं देख पाएगा चीज़ों को, नहीं देख सकता वो, उससे कनेक्शन इधर उधर जाएंगे। श्रद्धा कनेक्शन बनाता है नहीं भगवान से, श्रद्धा एक एक धागा ही तो है जो भगवान से जोड़ने के लिए है। सो बात करके पता लगेगा, एक जिसमें जिसमें दृढ़ श्रद्धा है वो हमेशा कृष्ण की बात करेगा और सारी चीजें भगवान से जोड़ देगा, और जिसकी कोमल श्रद्धा है उससे बात करोगे वो इधर उधर के टॉपिक्स बात करेगा, वो जोड़ नहीं पाएगा भगवान से चीजें, वो नहीं कर सकता, वो नहीं कर पाएगा, वो चाहे दुख हो चाहे सुख हो, चाहे मान हो चाहे अपमान हो, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो, चाहे जय हो चाहे जया जय हो चाहे अजय हो, भगवान गीता में कह रहे हैं वो हर सिचुएशन में पंडिता समा दर्शिना, यही है ना, कृष्ण को देख लेगा, और कृष्ण को देखेगा उससे बात करोगे तो वो उस तरह बता भी पाएगा, उसके शब्दों में कृष्ण नाम झलक जाएंगे, बस तो उससे पता लग जाएगा कि उसकी दृढ़ श्रद्धा कोमल श्रद्धा है, और ऐसे नहीं पता लग सकता आपको। जरूरी नहीं उसने सिद्धांत पढ़े हो, मगर क्योंकि उसकी श्रद्धा दृढ़ है, उसका हृदय शुद्ध है, भगवान की कृपा से वो जोड़ पाएगा, आप उससे बात करोगे वो हर चीज भगवान से जोड़ देगा। अफकोर्स सिद्धांत का लक्ष्य भी तो यही है, सिद्धांत का लक्ष्य ही है, सिद्धांत हमें सिखाता ही है देखना, सिद्धांत हमें देखना ही तो सिखा रहा है कि हर सिचुएशन में भगवान को देखो, यही तो सिद्धांत सिखा रहा है, और क्या सिखा रहा है। तो वो जो व्यक्ति है, हो सकता है उसको सिद्धांत नहीं, उसको ज्यादा स्कॉलरली ना हो, मगर वो अपने शब्दों में सब कुछ भगवान से जोड़ देगा सारी सिचुएशंस को, चाहे उसका अपमान हो, वो फिर भी अपमान हो, वो स्वाभाविक रूप से आप पूछोगे प्रभु जी क्या हो गया आपकी लाइफ में, वो क्या बोलेगा, श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं गीता में, वो क्या बोलेगा अपमान हो, वो कहेगा कि वो कहेगा मेरा तो अपमान होना ही चाहिए था, मैंने कृष्ण को कितने जन्मों से छोड़ा है और उनका अपमान किया है, तो मेरा थोड़ा हो गया तो ये इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई। देखो आप उसके शब्द ऐसे होंगे, आप कहोगे यार ये तो श्रद्धा है नहीं, सुनते ही पता लग जाएगा आपको। जिसकी कोमल होगी वो 20 साल का डिबोटी होगा, उसका अपमान हो गया, वो आप पूछोगे प्रभु जी क्या हो गया, अबे उसने मेरे को बोल दिया, वो कल का बच्चा, अभी अभी नया है, मैं 20 साल से हूं, तो फिर उसकी कैसी श्रद्धा हो गई, कोमल हो गई, क्योंकि वो भगवान को नहीं देख रहा, किसको देख रहा है, अपने आप को, बस इसी से डिफाइन होता है, दैट्स ऑल, और कोई तरीका नहीं है इसको पता लगाने का। सो बात करके मुख प्रसाद आता, आप बात करके समझ पाओगे, अगर 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 जीवन में कुछ कुछ विजय होगी, अब उसे पूछोगे प्रभु जी आपको तो बड़ा लाभ हो गया, प्रॉफिट हो गया, कहेगा नहीं है प्रॉफिट तो भगवान की कृपा से हुआ, मैंने थोड़े ना मेहनत की है, और भगवान के लिए जितना प्रॉफिट है मैं भगवान को समर्पण करूंगा, अपने पास नहीं रखूंगा मैं, नहीं है नहीं, इसकी दृढ़ श्रद्धा नहीं है ऐसे व्यक्ति की। सो ये बात है, बस इसी से पता लग सकता है, और कोई तरीका नहीं है, चाहे उसको सिद्धांत आता है नहीं आता है। गौरशोर जावा जी अनपढ़ अंगूठा छाप, उनका आचरण और उनके वचनों से देखो क्या, उनका तो उनकी तो निपुण श्रद्धा है, और कई कई डिवोटीज को सिद्धांत भी बहुत आता है मगर अंडा श्रद्धा, कोमल श्रद्धा होती है पूरी, पूरा सिद्धांत पूरी फिलॉसफी, और लेक्चर भी धांसू देंगे, और फिर कहेंगे देखो, फिर उससे पूछो, फिर उससे पूछो कि प्रभु जी ये जो आपने बताया कैसे है क्या है, तो वो
तो वो अगर आंसर नहीं कर पाए डिस्टर्ब हो जाएगा, ऐसे ही है, मैंने तो बहुत पढ़ा है, ये करा है मैंने, तो क्या तुम्हें क्या आता है, तुमने किताबें पढ़ी हैं, कुछ पढ़ा है? और सिर्फ फिलॉसफी बोलेगा क्लास में, मगर लाइफ में नहीं बोलेगा फिलॉसफी, फर्क ही है। कोमल श्रद्धा वाले क्लास में बोलते हैं फिलॉसफी, जीवन में नहीं बोलते, या कोमल श्रद्धा वाले फिलॉसफी बोलते हैं फिलॉसफी जीते नहीं, ये है। दृढ़ श्रद्धा वाले फिलॉसफी को जीते भी हैं, सिद्धांत को जीते भी हैं वो, ये बहुत अंतर है, जीते हैं सिद्धांत को, है ना? आपको दिखाई दे जाएगा, कैसे दिखाई देगा, शक्ल पे तो नहीं लिखा, उससे बात करके पता लग जाएगा, 5 मिनट में पता लग जाता है किसकी क्या औकात है, 5 मिनट में समझ आता है, नहीं 5 मिनट क्या, 2 ही मिनट काफी है, 2 मिनट भी नहीं, एक डायलॉग काफी है, पता ही लग आता है, बस बस 2 स्टेटमेंट ही पता लग आता है कि कहाँ है बंदा, इसकी कोमल श्रद्धा है क्या क्या चल रहा है, अब बस थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए, बट यू कैन नो, बट आप ऐसे डिफाइन करो कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा को। और ये डेफिनेशन मैं थोड़ी ना दे रहा हूँ, भवानी तो दे रहे हैं, लाभ हानि जय विजय उसमें समान रहेगा, यही कह रहे हैं ना भगवान, यही है ना, समान रहने का मतलब क्या है कि उसकी वाणी से पता लगेगा, वो जो श्लोक नहीं आ रहे वो गीता में, सत प्रगस्य का भाषा किम प्रभाषेत, कैसे बोलता है, उसकी लैंग्वेज क्या है, चलता कैसे है ना, उसमें 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 यही 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 बता रहे हैं श्रील प्रभुपाद, यही लिख रहे हैं, सेम चीज लिख रहे हैं श्रील प्रभुपाद, कैसे बोलता है कैसे चलता है, एग्जैक्टली लिख रहे हैं प्रभुपाद, लिख रहे हैं प्रभुपाद, जब जब वो उसमें लिखा कैसे चलता है, तो प्रभुपाद क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वो बोल कैसे रहे, वो लाइफ में कैसे चलता है, कैसे पता लगेगा, उसको बोलना से पता लगेगा, इसलिए सबसे पहले भगवान कह रहे हैं किम प्रभाषित कैसे, इसी तरह कैसे का भाषा, लैंग्वेज क्या है उसकी, उससे पता लगाओ वो बोल क्या रहा है, तो उससे पता लगेगा अंदर क्या चल रहा है, बस खत्म हो जाएगा, बस दैट्स ऑल। तो सिद्धांत की बात नहीं कर रहा मैं, वो सिद्धांत बोलेगा एक ड्राई फिलॉसफी, वो बात नहीं हो रही, वो उसको कोई नहीं, आप वो ऐसे थोड़े ना आपको पता लगेगा, हाँ भाई प्रभु जी आपको पता है कितनी शक्तियां हैं, हाँ पता है चित शक्ति और क्या सत शक्ति क्या है, संधिनी शक्ति, संवित शक्ति, हलादिनी शक्ति, हाँ ठीक है, तो दृढ़ श्रद्धा अब बकवास है, क्या है, कुछ नहीं है, या उसको बहुत सारे श्लोक आते हैं, कुछ नहीं है, सब बकवास है, भगवान ऐसे नहीं देखते। अगर मान लीजिए भगवान ऐसे देखते होते कि संवित संधिनी हलादिनी शक्ति आपको पता है तो दृढ़ श्रद्धा है, तो फिर तो अगर मान लीजिए किसी कृष्ण के पास जाएं, कृष्ण से पूछें तो कितनी शक्तियाँ, अरे हमें तो पता ही नहीं, हालेलुया, हमें तो क्राइस्ट पता है, और शक्तियाँ क्या होती हैं, ये क्या है, तो क्या, तो मतलब आज तक क्रिश्चियंस में श्रद्धा नहीं हुई, या इस्लाम वालों में अल्लाह के लिए श्रद्धा नहीं है, उनको तो हमारी फिलॉसफी का आइडिया ही नहीं है, मगर उनको हमारी श्रद्धा का आइडिया है, जो श्रद्धा हमारे आए वही श्रद्धा आए, मगर दूसरे शब्दों में, हमारा किसी और शब्दों में, टेक्निकल शब्दों में, उनका सिंपल शब्दों में, मगर बेस श्रद्धा ही है। अब कैसे पता लगेगा उसमें श्रद्धा है, उसको तो आपकी सिद्धांत पता ही नहीं, उसको तो पता ही नहीं हलादिनी संवेद संधिनी, उसको पता ही नहीं जीवात्मा क्या होता है, नहीं पता उनको, क्या इस्लाम वालों को क्या पता जीवात्मा का, सोल तो कॉन्सेप्ट है ही नहीं ना, वहाँ मतलब एक इतना क्लियर कट नहीं है, उसको पता ही नहीं और क्या हमारे यहाँ और क्या कॉन्सेप्ट हैं, है परा की अभाव स्व की अभाव गोलोक कृष्णा कुछ पता ही नहीं, तो क्या श्रद्धा नहीं है उसमें, एब्सोल्यूट नॉनसेंस होगी कहना, सारे रिलीजन्स में किसी में श्रद्धा नहीं है, एब्सोल्यूट क्रेजी है। इसलिए भक्ति विनोद ठाकुर ने किताब लिखी दत्त कौस्तुभम, और उसमें श्रद्धा को एक्सप्लेन कर रहे हैं, और वो कह रहे हैं श्रद्धा किसी संप्रदाय और किसी सेक्ट और किसी इंस्टीट्यूशन में लिमिट नहीं कर सकते आप, किसी फिलॉसफी में भी लिमिट नहीं कर सकते श्रद्धा को, श्रद्धा को फिलॉसफी सिद्धांत में भी नहीं बांध सकते, श्रद्धा तो भक्त के हृदय में होती है, और वो प्रकट होती है भक्त के शब्दों से,
हाँ वो बात है, जिस रिलीजन में जो सिद्धांत है उस शब्दों में प्रकट होगी, मगर जरूरी नहीं सिद्धांत चाहिए आपको उसके लिए, वो सिंपल शब्दों में प्रकट होगी। और उन शब्दों में क्या होगा, पंडिता समादर्शिना, उस हर शब्द में जिसमें श्रद्धा होगी उसके हर शब्द में भगवान होंगे, हर सिचुएशन में वो भगवान को देख पाएगा और भगवान के बारे में बता पाएगा, बस वो श्रद्धा है बस। इतने सारे रिलीजन्स में इतने अनपढ़ डिवोटीज भी थे, है ना, कुछ नहीं आता। मतलब हमारे वैष्णव संप्रदाय में देख लो, कनकदास, पुरंदर दास ही वाज आल्सो लाइक दासा संप्रदाय, अफकोर्स वो सुन रहे थे मगर उनकी भाषा में ऑटोमेटिकली सिद्धांत निकल गया, बट दे वर नॉट सो स्कॉलरली पीपल एज फार एज देखने में। और संप्रदायों में कितने सारे डिवोटीज हैं, मगर आप उनके पोएम्स पढ़ो, उनकी सेइंग्स पढ़ो तो परफेक्ट आती हैं, टेक्निकल भाषा में नहीं आती मगर परफेक्ट आती हैं। परफेक्ट मतलब कि वो हर सिचुएशन को, हर स्थिति को भगवान से जोड़ पा रहे हैं, बस यही है, बस कोमल श्रद्धा दृढ़ श्रद्धा में अंतर है, बस ऐसे ही पता लगा सकते हैं, और कोई तरीका नहीं है। मतलब रियली में अगर पता लगाना है तो क्लियर हो गया। सो दृढ़ श्रद्धा और कोमल श्रद्धा, तो आप बात करो और आपको पता लग जाएगा, फिर अगर आप थोड़ा ट्रेंड हो देखने के लिए तो। फिलॉसफी से सिर्फ पता मत लगाना, वो नहीं पता लग सकता, ये कई लोग कोर्स कर लेते हैं, रट लेते हैं चीज़ें, श्लोक रट लेते हैं, फिर क्या होगा, फिर तो ऐसे कैसे चलेगा। क्लियर हो गया। सो अब ये तो किसके बीच में फर्क बताया मैंने, कोमल श्रद्धा और दृढ़ श्रद्धा, कैसे पता लगता है फर्क, भाषा से। भाषा में क्या होगा उसकी, हाँ सिद्धांत मत बोलना आंसर सिद्धांत वाले बहुत बैठे हैं, मैं कुछ नहीं आता उनको, भाषा से, उसकी भाषा में क्या होगा, भगवान से कनेक्शन होगा हर स्थिति में। अब वो कनेक्शन जो भगवान से, वो हो सकता है वो साधारण भाषा में बता दे या सिद्धांत की भाषा में बता दे, वो फर्क पड़ता है। ट्रेंड है तो सिद्धांत की भाषा में बता देगा, अगर अनट्रेंड है तो साधारण भाषा में बता देगा, वो अंतर जरूर हो सकता है। मैं कहा उल्टा नहीं होता, कोई सिद्धांत बोल रहा है जरूरी नहीं उसमें उसमें दृढ़ श्रद्धा, उल्टा नहीं होता, सिद्धांत रट भी सकते हो आप, रटना क्या, आप तो सभी, अब तुम्हारा फोलियो है, कंप्यूटर है, रट लो इधर उधर कुछ कर लो, उसमें क्या है। अगर ऐसे ही होता तो फिर जितने लोगों ने भक्ति के कोर्सेज किए हैं उसको तो पहले गोलोक जाना चाहिए था, गोलोक जाने की क्वालिफिकेशन ही होनी चाहिए कि तुम्हें कोर्सेज आने चाहिए, भागवत पे कोर्स होना चाहिए, गीता पे कोर्स, जब तक पास नहीं करो तब तक एंट्री नहीं है गोलोक में। हाँ भाई, कहाँ है तुम्हारा सर्टिफिकेट, मृत्यु के समय भगवान आएंगे, भगवान कहेंगे चलो भी चलो, हाँ मैं रेडी हूँ, पहले सर्टिफिकेट दिखाना कोर्सेज के, तुम्हें सर्टिफिकेट कुछ नहीं होगा, नॉनसेंस है ऐसा, कर लो तो बहुत अच्छा है, गलत नहीं है, वेरी नाइस, बट ये बेंचमार्क नहीं है ये। तो अब क्वेश्चन है कि कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा पे जाए कैसे, क्या कहते हो कैसे जाए। मान लीजिए हमारी कोमल श्रद्धा है, ठीक है, हमें पता लग गया यार, हम जो दूसरे से कह लेने थे ना, अपनी अपने गड्ढे में हम, अपनी कोमल श्रद्धा है यार, कैसे जाएं दृढ़ श्रद्धा तक, बताओ। इसका एक ही आंसर है, 10 आंसर नहीं है, बहुत सिंपल आंसर है। वेल, इसका आंसर आप या तो कह सकते हो सेवा या कह सकते हो सिद्धांत, मगर वो दोनों थोड़े कॉम्प्लेक्स, वो थोड़े डाइसी रहेंगे। बेस्ट आंसर है इसका श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा है, चेताय तेरनाविद्धम चितम सत्वे प्रसीदति। हार्ट को प्योर करके ही हम जा सकते हैं दृढ़ श्रद्धा तक। आप चाहे सेवा से करो, आपको सेवा से ही करोगे आप सेवा से कर लो, मतलब प्रैक्टिकल सर्विसेज से, या चैंटिंग से कर लो सिर्फ, जैसे बाबा जी चैंटिंग करते रहते हैं,
या साथ साथ फिलोसफी पढ़ो, क्लियर करो कॉन्सेप्ट, बट प्योर हार्ट से ही आप कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा तक जा सकते हो, और कोई तरीका नहीं है इसका, कोई दूसरा रास्ता नहीं है। क्लियर हो गया? तो आपको अपना हार्ट प्योर करना। हार्ट प्योर क्या है? चेता चेतन आवेदन सत्यम सत्वे प्रसिद्धति, क्या वो क्या था वो इस श्लोक में क्या है, उसके पहले क्या, काम क्रोध हाँ तथा रजस्तमो भाव, काम क्रोध हाँ काम लोभात, फिर क्या हाँ काम लोभा दयाश्चय, ये है आपके हार्ट में काम क्रोध लोभ, ये नहीं होना चाहिए। अब ये तो हम बचपन से ही सुनते जा रहे हैं मतलब नहीं, बट दैट मेक्स अ डिफरेंस। जितम सत्वे प्रसिद्धति, सतोगुण में हमें एस्टैब्लिश होना पड़ेगा। सतोगुण के तीन लक्षण है, आपको तीन चीज़ों के पीछे ट्राई करना पड़ेगा। सतोगुण में सित होने का मतलब क्या है, तीन चीज़ें अपनी लाइफ में लानी पड़ेंगी। कृष्णा कह रहे हैं क्या, निर्मलम प्रकाशकम अनामयम, आपको अपनी लाइफ निर्मल करनी पड़ेगी। निर्मल, निर्मल मतलब यही हो गया, काम क्रोध लोभ मोह गंदी चीजें नहीं होनी चाहिए हार्ट में। प्रकाशकम, प्रकाश में होनी चाहिए लाइफ आपकी। प्रकाशकम कैसे होगी, प्रकाश कैसे होता है, नॉलेज से। कॉन्सेप्ट क्लियर करो अपने, प्रकाशमय लाइफ हो, क्या ज्ञान का दीपक यही कहते हैं ना। और अनामयम, अनामयम मतलब पाप रहित होना चाहिए जीवन, मतलब आपका चरित्र में अच्छे गुण होने चाहिए। ये तीन चीज़ें आप प्रैक्टिस करोगे, आप दृढ़ श्रद्धा आ जाएगी। अच्छे गुण लाने की कोशिश करो अपनी लाइफ में, बुराई हटाओ, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करो लाइफ के, वो चाहे सिद्धांत से पढ़ के कर लो, चाहे सुन के कर लो, जैसे भी करो, इट डजंट मैटर, क्लियर होने चाहिए। बस आप दृढ़ श्रद्धा तक पहुंच जाओगे। एक सिंपल सी लॉजिक है, सिंपल सा लॉजिक है, और कोई तरीका नहीं है पहुंचने का दृढ़ श्रद्धा तक। अब आपको इसमें फास्ट करना है तो साधु संग ले लो, हेल्प ले लो। अगर फास्ट करना है आपको, कैटलाइज करनी है चीज़ों को, तो साधु संग में रहो, ऐसे साधुओं के घर रहो जिनके अनामयम प्रकाशकम और निर्मल जीवन है, तो बहुत फास्ट हो जाएगी एडवांसमेंट, वरना स्लो स्लो चलती रहेगी। बस स्लो भी चलेगी, बोरिंग भी चलेगी। अगर ऐसे डिवोटी होंगे बड़ी बोरिंग सी, क्या हो रहा है, आसमान देख रहे हैं, क्या दीवारें देख रहे हैं, क्या चल रहा है, मज़ा नहीं आएगा। अब मज़ा भी नहीं आएगा ना, एक है चलो एडवांस कर लोगे, अगर एडवांस मज़े के साथ हो तो अच्छा है ना, ऐ भी बस खींच रहे हैं जी, मतलब जितने भी जो डिवोटी होते हैं ना, वो कैसे, वो तो वो रबर बैंड की तरह होते हैं, से रबर बैंड नहीं होता, खींचते हैं रबर बैंड को, है ना, खींचते हैं ना, पूरा खींच देंगे, अब छोड़ेंगे तो फिर से वही हो जाता है। तो संडे प्रोग्राम में आके वो खींच जाते हैं टैं, फिर मंडे को टैं, फिर से वही फिर पूरे हफ्ते वैसे ही रहते, फिर संडे प्रोग्राम आता टैं, फिर से वही टैं, और यही चलता रहता है, ची 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 ची। और ज़्यादा खींचते और ऐसे रहो तो पता है क्या होता है, फिर उसके थोड़े टाइम बाद क्या होता है, टूटता नहीं, वो ढीला पड़ जाता है, और छोड़ोगे तो टैं लटका लटकू लटका सा हो जाता है, और फिर वो ऐसे बन जाते हैं। इतना टाइम क्या होता है, ठीक है। सो दैट्स नॉट अ गुड डील, गुड वे टू लिव लाइफ। अच्छा साधु संग लें और हम आगे बढ़ें तो ज़्यादा बेटर है। सो ये पॉइंट है, इस तरह से हम कोमल श्रद्धा से दृढ़ श्रद्धा पे जा सकते हैं। और अगर दृढ़ श्रद्धा से आगे और कैसे बढ़े, निपुण श्रद्धा, वहाँ हाईएस्ट लेवल पे कैसे जाएं,
उसका तो देखो एक ही आंसर है, कृपा। वो उसमें प्रयास नहीं चलता। दृढ़ श्रद्धा से निपुण श्रद्धा तक जाने का तरीका है, आप दृढ़ श्रद्धा में रह के दिखाओ, कुछ सालों तक स्टेबल रह के दिखाओ, भगवान उठा लेंगे। पहले रह के दिखाओ वहाँ, फिर भगवान उठा लेंगे। उसमें फिर इंसान का बस नहीं चल सकता। मगर आपको हम ये जरूर कर सकते हैं, दृढ़ श्रद्धा पे रह के दिखा सकते हैं। माया हमारी श्रद्धा तोड़ने की कोशिश करेगी, फिर भी अगर हम उसी प्लेटफॉर्म पे रहें स्टिक रहें तो भगवान उठा देंगे, बस और कोई तरीका नहीं। क्लियर हो गया? ठीक है, सो दैट्स अबाउट श्रद्धा। कुछ पूछना है, कुछ कहना है? लैंड अप दे। श्रद्धा और बेवकूफी में बेवकूफी ये क्या है? मतलब कहाँ पर इंटेलिजेंस का यूज करना है, कहाँ श्रद्धा का उपयोग करना है। जैसे कई बार परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम सोचते कि नहीं हम अपना इंटेलिजेंस लगा लेते हैं, कई बार परिस्थिति के लिए भगवान पर फेथ क्या नहीं। इंटेलिजेंस फेथ को बढ़ानी चाहिए, डिस्ट्रॉय नहीं करनी चाहिए। मूर्ता ऐसे मूर्ता थोड़े ना, मतलब ये थोड़े ना कि अब बीमार होगा तो दवाई नहीं ले रहे, हमारी श्रद्धा है तो बेवकूफ़ी। वही कह रहे हो ना, वो तो बेवकूफ़ी हो गई ना। श्रद्धा तो हर चीज़ भगवान से कनेक्ट करके देख लेगा डिवोटी। सो डिवोटी कहेगा, अब चक्कर है ना, भगवान से कनेक्ट कैसे कर रहे हैं? सेवा भाव से, भोग के भाव से थोड़े ना। तो अब आप किसी डिवोटी से पूछो बीमार होगा तो कहेगा ठीक है, मैं अपने आप को ठीक कर लूँगा जितना हो सके, भगवान को भी टेंशन देनी, बाकी नहीं होंगे तो भगवान पे, बाकी जो होगा वो भगवान की मर्जी। ये है ना। सो मूर्ता नहीं है, मूर्ता मतलब होता है भोग, और श्रद्धा मतलब होता है सेवा, बस। नहीं रह लो, मगर उससे भगवान की सर्विस क्या हो रही है, ये बात है ना। जैसे आप लोग कहते हैं कि हमारे पाप कट रहे हैं तो भगवान ही काट रहे हैं पापों को, बीमारी देके या किसी भी तरह से। हाँ तो वो एक लेवल है, अगर वो कर सकता है तो ठीक है, अगर अगर उसकी वजह से कोई सर्विस हिंडर हो रही है तो नहीं करना चाहिए उसको, बस। डिपेंड करता है केस टू केस। ऐसे गौरसुआ बाबा जी अंधे हो गए थे तो भक्तिवान ठाकुर ने कहा कि भी तुम सही करा लो अपनी आँखें कलकत्ता जाकर। तो गौरसुआ बाबा जी ने कहा, उन्हें कहा कोई ज़रूरत नहीं, मेरे को अच्छा है, आँखों से संसार नहीं दिखाई दे रहा, बहुत अच्छा है। सेवा को दृष्टि में रख के, हाँ तो गौरसुआ बाबा जी की कोई सर्विस में हैम्पर थोड़ी ना हो रही थी कुछ, ठीक है, ये है। हाँ तो किसी सीनियर डिवोटी बता देगा कहाँ है, बस। तुम्हारे आपको बुखार हो गया तो क्या करते हो, थर्मोमीटर लगाते हो ना, देखते हैं ना फिर, तो ऐसे आपको पता लगाना है, ऐसे डिवोटी का चले जाओ बता देगा हाँ भी ये तो बकवास है। है ना, बस। क्या कह रहा है? तो अगर प्रैक्टिकल स्टेप्स में अगर देखा जाए तो क्या हो सकते हैं सीक्वेंस में श्रद्धा बढ़ाने के लिए? यही तीन चीजें, निर्मलम प्रकाशकम अनामयम। हम कॉन्सेप्ट क्लियर करें, अपने जीवन में बुराइयाँ हटाएं, बैड हैबिट्स हटाएं, और अपने लाइफ में हम अच्छे क्वालिटीज़ लाने की कोशिश करें और नॉलेज लें, बस ये तीन चीज़ें। सितम सत्वे प्रसीदति एत अचेत क्या है, नहीं फिर उसके बाद क्या है,
एवं प्रसन्न एवं मनस कैसे एवं प्रसन्न मनसो भगवत भगवत भावम आत्मन ऐसे ही भक्ति योगता एवं प्रसन्न मनसो भगवत भक्ति योगता। तो फिर यही है, तीन स्टेप ही हैं ये बस। बट आपने लेक्चर में जो कंक्लूड किया तो आपको ये पॉइंट्स तो है साधु संघ के बारे में आपने बोला, वही साधु संघ में इजी हो जाएगा ये बहुत, साधु संघ कैटालाइज कर देगा इसको। क्योंकि जनरली हम लोग जब शास्त्र पढ़ते हैं प्रभुपाद से सुनते हैं कि अच्छे साधुओं में श्रद्धा है तो उनका संग से ही वो आप में ट्रांसफर होती है जनरली। मुझे तीन चीज़ें करनी पड़ेंगी, हाँ ऐसे कोई अपने आप नहीं आ जाएगा, है ना, वो तो कितने लोग रहते हैं, यही करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, बस साधुओं के साथ रह के कैटालाइज हो जाएगा, हमें उत्साह मिलेगा करने का ही बस। कई जो नए डिवोटीज है लाइफ आफ्टर लाइफ भक्ति में रह के श्रद्धा बढ़ता है, ऐसे होता है सीक्वेंस में होता है, एक ही लाइफ में तो शायद वो लेवल में जो आप हाईएस्ट लेवल तो पहुंचना नामुमकिन ही लगता है, जैसे कि आपने बताया कोमल श्रद्धा है, हाई लेवल तो मर्सी से ही हो सकता है। तो ये क्या लाइफ आफ्टर लाइफ एक्टिविटी है या, क्योंकि थोड़े लोग अच्छा श्रद्धा से बचपन से ही देखते हैं कि डिवोटीज में भी जो नए कभी कभी दिखता है बहुत श्रद्धा है इसको, हमसे ज़्यादा है तो लगता है कभी। ये क्यों ऐसा रहता है क्योंकि अलग अलग लोगों में ये लाइफ आफ्टर लाइफ से ही इफेक्ट है, हाँ पिछली लाइफ से होता है। ओके, एक लाइफ का काम नहीं है क्योंकि बहुत शॉर्ट स्पैन में हम लोग, हाँ एक लाइफ का काम नहीं है, पिछली लाइफ से चलता आ रहा होता है, एक लाइफ में तो मुश्किल ही है चीज़ें, एक लाइफ तो मतलब ऐसे ही निकल जाती है समझते हुए कि कृष्णा कॉन्शियस क्या है। धीरे धीरे इतना आसान है, एक लाइफ तो ये भी समझने में नहीं लगता कृष्णा कॉन्शियस, एक लाइफ तो ये समझने में लगता है कि मैं कौन हूँ, यही पता नहीं लगता मैं कौन हूँ, एक पूरी लाइफ इसमें निकल जाएगी अरे मैं ये हूँ, फिर 45 साल पता लगेगा पता लगा मैं कौन हूँ, फिर धीरे धीरे इसलिए पिछली लाइफ का इस काम का होता है और एक लाइफ में पॉसिबल नहीं है, धीरे धीरे लाइफ आफ्टर लाइफ सी चीज़ें आगे बढ़ती हैं जनरली। रियलिटी तो यही है, हम कह सकते हैं एक लाइफ में परफेक्शन मिलेगी बट महाप्रभु की कृपा से हो सकता है, महाप्रभु तो नमो महावदनी आए हैं बट हम जनरली इस पर हम लोग जनरल ट्रेंड देखते हैं ना, पिछली लाइफ से आ रही थी उनके लिए आसान होता है, जो पिछली लाइफ से नहीं करते उनके लिए मुश्किल हो जाती है चीज़ें। चक्कर है ना आप को दिखाई नहीं दे रहा ना, ये बहुत बड़ा लैकुना है, कुछ दिखाई तो दे नहीं रहा करने। हाँ मतलब नहीं मतलब ये है ना कि भगवान भी दिखाई नहीं दे रहे, स्पिरिचुअल वर्ल्ड भी दिखाई नहीं दे रहा, सब एक हवा में बातें हैं, आत्मा भी दिखाई नहीं दे रही और हम इन्हीं की बात कर रहे हैं, अब ये हवा में बातें हैं उस पर फेथ लाना मुश्किल हो जाता है। तो लाइफ आफ्टर लाइफ वो करता है, फिर उसके लाइफ में कुछ चीज़ें होती हैं उससे उसको फेथ आता है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो इसलिए टाइम लग जाता है, चीज़ें दिखाई नहीं दे रही, तो अगर दिखाई नहीं दे तो फेथ करना मुश्किल होता है ना किसी भी चीज़ पर, है नहीं, क्या कहता है प्रूफ तो दे तू तब तो मानूंगा मैं, माइंड हमारा ऐसे ही चलता है ना, और ठीक भी ऐसी है बातें, तो इसलिए फेथ लाना मुश्किल हो जाता है। तो पिछली लाइफ में उसने प्रैक्टिस की होगी, उसको अनुभव आए होंगे, लाइफ में कुछ चीज़ें हुई होंगी तो उसको फेथ बढ़ गया होगा, ऐसे फेथ बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है बढ़ता जाता है। यही है, ठीक है ना, ओके ठीक है, विल एंड अप देयर। हरे कृष्ण, श्रील प्रभुपाद की जय।